बाद लोग ये भी इस्तेमाल करते हैं कि ये तस्बीह हाथ में लेके पढ़ते हैं ना, तो बाद जो जरा खुश किस्म के लोग हैं तो वो उस पर एतराज भी करते हैं, ये क्या तस्बीह लिए फिर रहे हाथ में जिक्र करने के लिए, ये रियाकारी है, दूसरों को दिखा रहे हो मैं जिक्र कर रहा हूं अल्लाह का। और बाद लोगों ने इसको बेदख तक कह दिया, इसलिए कह दिया कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तस्बीह नहीं थी, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्बीह नहीं पढ़ते, हाथ से नहीं पढ़ते थे। सहाबे कराम से भी मनकूल नहीं है कि इस तरह की तस्बीह जिस पर डोरी बंधी हुई है, 100 दाने हैं, ये इस तरह की तस्बीह जो है वो न हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल न सहाबे कराम से मनकूल। तो बाद लोगों ने जो अहले ज़ाहिर है उन्होंने कह दिया है ही बिदअत हाथ में तस्बीह लेके जिक्र कर। तो हकीकत यह है कि बिदअत इसलिए नहीं कि यह सिर्फ एक गिनने का तरीका है, और अहादीस के अंदर बहुत से अज़कार के बारे में आया है कि आपने फरमाया कि 100 मरतबा पढ़ने का यह सवाब है, सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह के बारे में फरमाया 100 मरतबा पढ़े तो उसके गुना अगर रेत के जर्रों के बराबर भी हो तो भी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा देते हैं। तो 100 मरतबा पढ़ने की आपने कोई तरजीह थी, अब 100 मरतब कैसे पड़ेगा, गिनेगा किसके तरफ। अब पहले जमाने में गिनने का तरीका यह होता था, जैसे आपने मस्जिदों में देखा होगा ना, दाने होते हैं इमली के दाने या बीज वगैरह, उसके ऊपर गिन लेते थे। बाद में उसकी जरा ऐसी शक्ल हो गई कि अब इतने सारे दाने आदमी जेब में रख के फिरना तो मुश्किल है, तो उसको एक तस्बीह की शक्ल दे दी ताकि वो आदमी गिनना आसान। इस वास्ते इसको ये बताते खुद मकसूद नहीं, तस्बीह बताते खुद मकसूद नहीं। फिर वक्त अज़कार तो ऐसे हैं कि जिनके बारे में हदीस में आया कि एक खास तादाद में पढ़ने का पढ़ने की फजीलत बयान फरमाई है, जैसे कि अभी मैंने किया कि सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह के बारे में आपने फरमाया 100 मरतबा पढ़े तो ये, या जो चौथा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहु अल-मुल्कु वलहु अल-हम्दु वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर, इसके बारे में फरमाया कि आदमी अगर इसको 10 मरतबा 40 मरतबा पढ़े तो इतना गुलाम आदा करने का स्वभाव है, 100 मरतबा पढ़े तो इतना स्वभाव है, तो उसमें भी तादाद मुकर्रर फरमाई है नबी अकरम। यह तस्बीह फातिमी है कि 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, तो ये तादाद आपने खुद बयान फरमाई, उस तादाद को आप बयान करते हैं। लेकिन बहुत से अखबार ऐसे हैं कि जिनकी को तादाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर नहीं फरमाया, इनकी तादाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर नहीं फरमाई। लेकिन जब कोई तालिब किसी शेख के पास जाता है तो वो उसकी कहता है इसकी एक तस्बीह पढ़ लिया करो, इसकी एक तस्बीह पढ़ लिया करो, इसकी दो तस्बीह पढ़ लिया करो। ये जो शेख मुकर्रर कर रहा है वो क्यों कर रहा है, इसलिए कर रहा है ताकि कम से कम इतनी तादाद की पाबंदी कर लो, उसमें 100 होना भी जरूरी नहीं, 100 होना भी जरूरी नहीं, 50 कर लो, 33 कर लो, लेकिन जो मामूल मुकर्रर करो फिर उसको हर हाल में निभाओ,